नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले ऐसे तीन सेक्टर्स जिनमें से कुछ शेयर्स भी आपके सामने रखने वाला हूं, कुछ नाम आपके सामने रखने वाला हूं जिनके ऊपर चर्चा मैंने कुछ पहले वीडियोस में भी की है, बट फिर से कुछ ऐसे नाम, फिर से कुछ ऐसे सेक्टर्स जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं, जिन सेक्टर्स में से आपको बहुत ही तगड़े शेयर मिल सकते हैं जिसमें आपके रिटर्न्स की संभावनाएं बहुत ही जबरदस्त हैं, जहां पे आप 100% रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर में। तो अगर आप निवेशक हैं, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों से, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर उस निवेशक के पास जा सके जो अच्छे शेयर ढूंढ रहा है। और किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज अपनी स्टडी एनालिसिस कर लीजिएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नजरिया है, मेरी स्टडी है, मुझे लगता है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सर, पहला सेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। जी हां, स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो को मैं डाल दूंगा। बट इस केमिकल सेक्टर को पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 2019 के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो इंडियन केमिकल सेक्टर जो है उसका साइज $178 बिलियन का आंका जा रहा था, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 तक वो बढ़कर $304 बिलियन तक जा सकता है। तो इस सेक्टर के अंदर बहुत ही बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है इस सेक्टर के अंदर। केमिकल सेक्टर की बात की जाए तो कौन कौन से केमिकल्स वैसे बनाए जाते हैं केमिकल सेक्टर्स में, बल्क केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीजें आते हैं। बट स्पेशलिटी केमिकल्स ने सबका ध्यान बहुत ही जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट किया है, क्योंकि यहां पे हायर वैल्यूएशंस होती हैं और यहां पे पोटेंशियल के चांसेस बहुत ज्यादा है, हायर पोटेंशियल्स पे ये कंपनीज ट्रेड कर रही होती हैं। तो यहां पे जो निवेशक आते हैं, यहां पे बहुत जबरदस्त पैसा इस सेक्टर में आता है, तो यहां पे ग्रोथ के चांसेस बहुत बहुत हाई हो जाते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर साइज की जाए सेक्टर की, तो 2014 में जहां इसका साइज $18 बिलियन के आसपास था, वहीं 2019 में वो बढ़के $32 बिलियन के आसपास हुआ। वहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 में इस स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का साइज जो है वो $64 बिलियन तक हो सकता है। तो जहां पे 100% ग्रोथ, 32 to 64 बिलियन की हम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन करें, सोचिए वहां के शेयर्स और कितना जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पहले भी मैंने एक स्पेशल केमिकल्स के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के दिया, जहां पे कुछ नाम आपके सामने मैं रख रहा हूं, इनको आप स्टडी कर लीजिएगा। इनमें से ही कुछ शेयर्स हैं जो बहुत दमखम रखेंगे आपको अच्छे रिटर्न्स देने के लिए, जिसमें से एक नाम मुझे आरती इंडस्ट्रीज समझ में आता है, अल्कलाइन अमाइंस केमिकल्स समझ में आता है, बालाजी अमाइंस समझ में आता है, नवीन फ्लोरिन समझ में आता है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक समझ में आता है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट समझ में आता है, दीपक नाइट्रेट समय आता है। दीपक नाइट्रेट तो खास एक कंपनी है जो कहीं ना कहीं अपने सेगमेंट में 70% मार्केट शेयर होल्ड करती है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। हर एक कंपनी के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो आपके लिए बना के दी थी, जिसका लिंक आपको मिल रहा होगा, नहीं तो उसके वीडियो को प्लीज दोबारा देखिए इस वीडियो को देखने से पहले। और अगर आप चाहते हैं कि इन शेयर के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, तो जिस शेयर के ऊपर में सबसे ज्यादा कमेंट्स होगी उसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए मैं बना के जरूर रखूंगा। दूसरा ऐसा सेक्टर दोस्तों जिसको ये कहा जा रहा है कि यहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा सेक्टर जिसमें बहुत ही जबरदस्त पोटेंशियल है, जो आज की डेट में सबको समझ में आने लग रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की। एक समय था जब हम थर्मल पावर के ऊपर बहुत ज्यादा, कोल पावर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, बट जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, हम थर्मल से हटके सोलर एनर्जी की तरफ या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले के टाइम पे अगर देखी जाए तो वहां पे वैल्यूएशन, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी सेक्टर में, जो निवेश होता था, जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो बहुत ह्यूज था। बट अभी रिसेंट सर्वे के मुताबिक में जो इंडियन सोलर इंडस्ट्रीज है वो 30% चीपर है थर्मल पावर जनरेशन के मुकाबले में। तो जहां पे हमारी कॉस्ट इफेक्टिव इंडस्ट्री बनती जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी, वहां पे आने वाला समय बहुत ही बहुत ज्यादा ब्राइट है गाइस। और हम सब जितने भी कंट्रीज हैं, हम सब पॉल्यूशन के अगेंस्ट हैं, तो हम पॉल्यूशन के अगेंस्ट हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। पहले वो महंगा पड़ता था, अब वो सस्ता पड़ता है। तो ऐसा सेक्टर नो डाउट एक इमर्जिंग सेक्टर है, अपने आप में बहुत बड़ा पोटेंशियल, ह्यूज पोटेंशियल ये सेक्टर रखता है। इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी हो सकती है, उनके नाम आपके सामने रख रहा हूं, अपनी स्टडी कर लीजिएगा। जो फेवरेट शेयर है उसमें निवेश करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मल्टी बैगर्स यहीं से निकल के आने वाले हैं। ये सेक्टर ऐसे हैं जहां पे मैसिव ग्रोथ तो है, ये गवर्नमेंट का सपोर्ट सबसे ज्यादा, जहां गवर्नमेंट का सपोर्ट जिस सेक्टर को मिल जाता है वो सेक्टर मल्टी बैगर होना लाजमी है। तो ऐसे कुछ शेयर्स आपके सामने रख रहा हूं, जैसे टाटा पावर जिसके ऊपर वीडियो में पहले बना चुका हूं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, अदानी ग्रीन एनर्जी हुआ, ये कंपनी है, साथ साथ में बोरोसिल कंपनी है, साथ साथ में पराज इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी रिन्यूएबल की तरफ आ रही है गाइस। तो ये कुछ कंपनीज है जहां पे आप फोकस कर सकते हैं, जहां कुछ स्टडी कर सकते हैं, और इनमें से एक मल्टी बैगर आपको रिन्यूएबल सेक्टर से मिल सकता है। तीसरा सेक्टर है गाइस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर होने के अलावा और भी तीन चार चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके साथ में आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हां, उसे कुछ प्लेयर्स आपके सामने रखूंगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की बात की है तो उसके कुछ प्लेयर्स आपके सामने रखूंगा, साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो करेंगे उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए
उनके कुछ कंपनीज भी आपके सामने रखने वाले हैं। गाइस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सबके सामने हैं और सबको उसका ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आपको लगता है 2025 से लेकर 2030 के बीच में पूरा वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चल रहा हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। और इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तो हमने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर ही दिया। टाटा मोटर्स इसमें बहुत ही बड़ा प्लेयर है गाइस, इसकी गाड़ियां सड़कों पर दिखाई दे रही है, कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ियां हैं, सिर्फ बैटरी मेकर्स के ऊपर नजर गड़ा के बैठे हैं। अगर सस्ती बैटरीज आ जाती हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स धूम मचा देंगे और हर कोई इसके ऊपर चला जाएगा। गाइस अगर एक न्यूज पे ध्यान दिया जाए तो यूरोपियन यूनियन ने तो 2035 तक फॉसिल फ्यूल के ऊपर मतलब डीजल पेट्रोल के ऊपर चलने वाली गाड़ी को कंप्लीटली बैन करने का प्रपोजल दे दिया गया है कि 2035 के बाद में वो कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं बनाएंगे जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर चलेगी। मतलब दे आर गोइंग टू बी कंप्लीटली ऑन ग्रीन एनर्जी। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो बनाने जा रहे हैं। अब यहां देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर दो बहुत बड़े नाम है, टाटा मोटर्स और टाटा महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये आपके सामने ही है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात किया है तो यहां पे दो सेगमेंट आते हैं, एक फोर व्हीलर का एक टू व्हीलर का। टू व्हीलर के सेगमेंट में आते हैं आपके बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, और फोर व्हीलर के सेगमेंट में आते हैं टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा। आने वाले टाइम में नए स्टार्टअप्स भी आएंगे, बहुत सारे कंपनीज आ सकती है जो टू व्हीलर सेगमेंट में आएंगे, उनके आईपीओ भी आ सकते हैं आने वाले टाइम में। इस सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई देती है। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी मेकर्स की तो यहां पे आपके सामने टाटा केमिकल्स एक स्पेशल कंपनी है जो स्क्रैच से, जी हां बिल्कुल स्क्रैच से ईवी व्हीकल्स के लिए ये बैटरीज बनाने का काम कर रही है। जबकि एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा बैटरी अपने आप को शिफ्ट कर रही है नॉर्मल बैटरी से लिथियम आयन बैटरीज की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो यहां पे टाटा केमिकल्स बड़ा नाम निकल के आता है और साथ में एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा बैटरीज को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो यहां पे टाटा पावर का नाम आता है, एनटीपीसी का नाम आता है, बीपीसीएल का नाम आता है, एबीबी का नाम आता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम आता है, इंडियन ऑयल का नाम आता है। ये कुछ कंपनीज है जो इंफ्रा के ऊपर दिमाग लगा रही है, जो पैसा लगा रही है, कैपिटल लगा रही है। तो यहां पर आप इनमें से कुछ मल्टीबैगर शेयर ढूंढ सकते हैं जो आपको इंफ्रा के ऊपर काम करा के देंगे। और अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स की जो ईवी सेगमेंट्स को देने वाले हैं तो वहां पे दो सबसे बड़े नाम निकल के आते हैं, एक है टाटा एलेक्सी और दूसरा है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। जी हां, ये दो दिग्गज कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बना रही हैं और बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के ऊपर में तो इन्हीं कुछ कंपनीज में जैसे टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, हमारा जो बैठे जिनके हमने नाम लिए, इनका एक मिला जुला एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पूरे कंप्लीट सेगमेंट को आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ पैसा निवेश कर सकते हैं, करना ही चाहिए क्योंकि आने वाला फ्यूचर है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है ये वीडियो इंफॉर्मेटिव थी तो दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे और हम लगातार मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।